प्रियंका गुप्ता, योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर, रेकी मास्टर। आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यार के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबका साथ ईश्वर दे, आप सबके जीवन में आनंद हो, खुशी हो, सुख हो, प्यार हो, क्योंकि आज की हमारी जो सक्सेस स्टोरी है वो प्यार से भरपूर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। और सक्सेस स्टोरीज को कई बार देखिए ताकि आपका बिलीफ सिस्टम हाई और हाई और हाई होता जाए। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है पारस की और श्रुति की। पारस रहने वाले हैं मुंबई के और श्रुति रहने वाली हैं पटना बिहार की, और इनकी लव स्टोरी होती है कलकत्ता में। दोस्तों, कलकत्ता की एक आईटी सेक्टर में श्रुति को जॉब मिल गई। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये आगे एमबीए करना चाहती थी, लेकिन घर में थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम थी। इनके दो छोटे भाई बहन भी थे जिनका खर्चा भी इन्हें उठाना था, तो ये जॉब भी करना चाहती थी। और लकीली जिस आईटी सेक्टर में ये काम करना चाह रही थी वहाँ पर फ्री में एमबीए कराया जाता था, अगर आप वहाँ जॉब करते हैं तो। मीन्स इट वॉज नॉट फ्री, जैसे अगर आपके 80% मार्क्स आते हैं तो आपकी 80% फीस को आपको रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। सो लकीली श्रुति को जॉब मिल गई और ये बड़ा खुश होकर के, एक्साइटेड होकर अपने पापा के साथ गई कलकत्ता में, सॉल्ट लेक सिटी में रूम ढूंढने लगी। वहाँ पर एक हॉस्टल में ये दो लड़कियों के साथ रूम शेयर करके रहने लगी। और अगले दिन इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। एक महीने की ट्रेनिंग के लिए तीन जो टीचर्स थे, जो ट्रेनर्स थे, वो इनके रूम में आए। सबसे पहले जो चल के आए वो थे पारस, और पारस को देखते ही श्रुति वाज लाइक, बिल्कुल कहते हैं ना प्यार में पड़ जाना। वाइट कलर की शर्ट पहने, ब्लैक कलर की जीन्स पहने थे और शूज़ पहने थे, हाथ में राडों की वॉच थी, एंड शी वाज लाइक फेल्ट इन लव। आहा, अगर ऐसा ट्रेनर पढ़ाए तो फिर जिंदगी भर ट्रेनिंग चलती रहे, श्रुति की ये लाइंस थी। पारस को देखकर श्रुति बिल्कुल फ्लैट हो गई। श्रुति भी बहुत खूबसूरत थी, पर ऑब्वियसली उस नए माहौल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था, शाई थी और एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें आ रही थी। तो इनके तीन ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। दिन बीतने लगे, ट्रेनिंग्स के बीच में इनके एग्जाम्स होते थे, सेशंस होते थे, कुछ फन एक्टिविटीज़ भी होती थी, लेकिन उसके बाद से ये पारस को भूल नहीं पा रही थी। शी फेल्ट अ कनेक्शन। अब पारस ठहरे इनके सीनियर, इनके टीम लीडर, और दूसरी बात, पारस का कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप नॉच। वो बंदा जहाँ खड़ा हो जाता था वहाँ लड़कियाँ बिल्कुल मेस्मराइज हो जाती थी, उसके बोलने का अंदाज़, उसके हंसने का अंदाज़, और शी वॉज लाइक कम्प्लीटली इन लव विद हिम। और उनको देखकर ही काफ़ी ज़्यादा शाई हो जाती थी, इनकी बोलती बंद हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि ट्रेनिंग सेशन के बीच में पारस इनसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, शी वॉज लाइक दिस, स्टैंड रह जाती थी, और कई बार पारस से इनको डांट भी पड़ती थी। लेकिन बंदी प्यार में थी तो इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, इन लोगों को अपनी अपनी टीम मिल गई, और अनफॉर्चुनेटली इनके टीम लीडर कोई और थे, तो पारस से जल्दी इनकी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन ये वेट करती थी वीकली सेशंस का, क्योंकि वीकली सेशंस में पारस आते थे ट्रेनिंग देने के लिए, और ये बस उनको बैठ करके ऐसे देखती रहती थी। ट्रेनिंग तो सर के ऊपर से चली जाती थी। अब इन्होंने एमबीए की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी, फ्राइडे सैटरडे को ये एमबीए की क्लासेस अपनी करती थी, सो इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन उसके बाद जो है इनके भीतर ये इच्छा आने लगी कि मैं कैसे अपने क्रश को अट्रैक्ट करूं। सो इनकी फ्रेंड जो थी वो हमारे चैनल से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने एक दिन इनको एक स्विच वर्ड बताया, जो लव के लिए मैंने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। ये उस स्विच वर्ड को चैंट करने लगी,
और इनके मन में ये था कि पारस से मिलने आए बस कहीं से, वीकली सेशन से पहले मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। नेक्स्ट डे जब ये जाती हैं क्या देखती हैं कि पारस एज अ टीम लीडर इन लोग को गाइड कर रहे थे, क्योंकि इनके जो टीम लीडर थे वो छुट्टी पर थे 15 दिनों के लिए। अब तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन से और ज़्यादा मेंटेन होकर, ड्रेसअप होकर, ज्वेलरी वुलरी पहन के बिल्कुल टिप टॉप बन करके जाने लगी टू इम्प्रेस हिम। अब इस बीच में बहाने से क्वेश्चन भी पूछने लगी और कुछ भी क्वेरीज होती थी तो उनसे पूछती थी, और इन्होंने कोशिश की कि मैं खूब अच्छा परफॉर्म करूं। सो ये बहुत अच्छे से अपनी फ़ोन कॉल्स अटेंड करती थी, और इनके जो फ़ोन कॉल्स देती थी उसमें सर्वे होते थे, तो सर्वे में लोगों ने इनको ज़्यादातर ए ग्रेड दिया, जिसकी वजह से इनके टीम लीडर जो करंट टीम लीडर थे पारस जी, उन्होंने वीकली सेशंस में इनकी सबके सामने तारीफ की, शाबाशी दी और कहा कि कीप इट अप। फिर अगले दिन क्या हुआ, लंच के समय ये कैफेटेरिया में बैठी थी और अपना लंच खा रही थी, और वहीं से पारस चल के आ रहे थे। उस दिन काफ़ी बरसात हो रही थी तो ज़्यादातर लोग कैफेटेरिया में नहीं आए थे, कुछ ही लोग थे। तो पारस ने इनको देखा तो इनके पास ही वो अपना लंच लेकर बैठ गए। ऐसे नॉर्मल बातें होने लगी, तब इन्होंने बताया कि मैं पटना से हूँ, पारस ने बताया कि मैं मुंबई से हूँ, और इस तरह से कॉन्वर्सेशंस होने लगी। फिर उन्होंने बताया कि मैं MBA कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ये सब बातें सुन करके पारस काफ़ी इम्प्रेस हो गए। उस दिन इन दोनों की दोस्ती हो गई, एंड शी फेल्ट रियली 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 हैप्पी। तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इन्होंने अपनी ये स्टोरी मुझसे बताई, और इन्होंने कहा कि मैम आई रियली वॉन्ट टू अट्रैक्ट हिम इन माई लाइफ, आई रियली डू लव हिम, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। उसका खड़े होना, उसका बालों को यूँ बनाना और मुस्कुराना, और उसका वो करिश्मा मुझे रात दिन याद आता है। सो आई टोल्ड हर कि देखिए आपको डेस्परेट नहीं होना है, इंजॉय दिस थिंग। जब पारस आए तो उसके साथ बात करो, हंसो मुस्कुराओ। और उन्होंने सोलमेट प्रोग्राम लिया। सोलमेट प्रोग्राम लेने के बाद उन्होंने सारी रेमेडीज़ को फॉलो करना शुरू किया, सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। और मैंने उनसे कहा कि आपको स्क्रिप्टिंग भी करनी है, अपनी परफेक्ट स्टोरी लिखनी है। तो उन्होंने उसमें एक सीन क्रिएट किया जहां वो और पारस कहीं बाहर घूमने गए हैं, कलकत्ता के पास ही कहीं घूमने गए हैं, और साथ में खड़े होकर के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। सो, तकरीबन 15 दिन बाद क्या हुआ कि इनके टीम लीडर ने संडे के दिन इनके टीम लीडर ने जो है आउटिंग प्लान की, जहाँ पे पारस की टीम के 18 मेंबर्स और इनकी टीम के 18 मेंबर्स, टोटल 36 लोग बाहर एक होटल में खाना खाने गए जो कलकत्ता से थोड़ा दूर था और हट टाइप का था, तो बड़ा एग्जॉटिक था। तो ये लोग गए वहाँ पर, हंसी मजाक होने लगा, बातचीत हुई, सब ने खाना खाया। उसके थोड़ी देर बाद ये उठ करके कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई, तो वहाँ इन्होंने देखा कि पारस भी कोल्ड ड्रिंक लेने गए हुए थे, और फिर दिन दोनों की बातें होने लगीं, और इस तरीके से ये धीरे धीरे करीब आने लगे, और ये रोज़ रात को उनको लव एनर्जी भेजती। लेकिन पारस ने इनसे इनका नंबर मांगा, इन्होंने अपना नंबर उनको दे दिया। रात को व्हाट्सएप पे उन्होंने इनको मैसेज भेजा कि क्या कर रही हो, आई यू फी। तो फिर उन्होंने इनको कॉल किया और इनकी बातें होने लगी, और इन्होंने अपने दिल की सारी बातें पारस को बता दी। वो बोली कि आपके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती थी, पर आज मेरे भीतर हिम्मत है, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आपको पहले दिन से ही पसंद करती हूँ। पारस ने कहा कि पता नहीं, पर मुझे भी एक डिफरेंट टाइप का कनेक्शन महसूस होता है तुम्हारे साथ जब तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी सिंप्लिसिटी को और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और तुम इतने आसानी से सब चीज़ें हैंडल करती हो, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। और पारस ने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। वेल डन ब्रेव लेडी, आजकल हमारी लड़कियाँ भी काफ़ी ब्रेव हो गई हैं। सो इस तरीके से इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी और बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले लिया इस लव स्टोरी ने। पारस और इनका रिश्ता तकरीबन 6 महीने बीत गया, तब पारस ने अपने घर में बात की। पारस के घर में उनके मम्मी डैडी हैं जो बहुत ही फ्रैंक हैं,
थोड़ी सी दिक्कत जो है श्रुति के घर की तरफ से आई थी, लेकिन लड़का इतना स्मार्ट और वेल सेटल्ड और बहुत ज़्यादा संस्कारी और गुड़ी होने के बावजूद इनके मम्मी पापा के पास गया, बात की, उनको कन्विंस किया कि श्रुति को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से दोस्तों आज पारस और श्रुति की शादी हो गई है, वो बहुत खुश हैं। फिलहाल उन्होंने वो जो अपनी पुरानी जॉब है छोड़ दी है, अब ये लोग एक नई कंपनी में काम करते हैं। श्रुति एक दूसरी कंपनी में काम करती हैं क्योंकि इन्होंने MBA अपना कंप्लीट कर लिया वहाँ से, और पारस अब दूसरी जगह पर एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है दोस्तों। ये सक्सेस स्टोरी आपको बताती है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, अपने परमात्मा पर श्रद्धा है और अपनी शक्तियों पर विश्वास है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पारस एंड श्रुति, आप दोनों की ज़िंदगी हमेशा खुशी, प्यार और शांति से भरपूर रहे। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।